आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में बदलते मौसम ने गले में खराश, जुखाम, खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। बीते 7 दिनों में इनकी संख्या लगभग दुगनी हो गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में बदले मौसम ने गले में खराश, जुखाम, खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। बीते 7 दिनों में इनकी संख्या लगभग दुगनी हुई है। क्योंकि मरीज दूर दराज से आते हैं, 11 बजे के बाद ही आ पाते हैं, तो पर्ची नहीं बन पाते थे तो वापस लौट रहे थे। तो इस वजह से हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय का ये निर्देश है कि मरीज वापस न जाए और उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और दवा लेके घर जाए तब। तो इस वजह से थोड़ा सा 12 बजे तक जो पर्ची का समय बढ़ाया है, उससे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। तो हमने गेट पे आर्मी गार्ड्स लगा दिए हैं, अपने पर्सनल गार्ड हैं वो भी लगा दिए हैं, तो वहाँ उसी संख्या में थोड़ा सा भेज रहे हैं वो, क्योंकि रिसेप्शन कॉम्प्लेक्स में दवाई भी वितरण होता है और रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो एक साथ जो मरीज इकट्ठे होते हैं उनको देखते हुए धीरे धीरे मरीजों को अंदर जाने दे रहे हैं। उनको सोशल डिस्टेंसिंग से वहाँ पर आर्मी गार्ड लगे हुए हैं, उनको लगाते हैं। पर्चा बनवाने के बाद ओपीडी में विभिन्न ओपीडियों में जाते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की स्क्रीनिंग पर 10 से 15 मरीजों की कोरोना वायरस की जांच भी की जा रही है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन ही मिल रहा है। वो थोड़ा सा अपने जो यहाँ के कर्मचारी गार्ड्स हैं और आर्मी गार्ड्स हैं वो मैनेज कर लेते हैं, उनको समझा के प्यार से सोशल डिस्टेंसिंग खड़ा करते हैं, जिससे मरीजों को भी उसका खतरा ना हो इन्फेक्शन का, और वो भी सुरक्षित खड़े होकर अपना दिखा के मरीज दवा लेके घर जाए। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी प्रभारी डॉक्टर आरएस राणा ने बताया कि ओपीडी में खांसी, गले में खराश होना, जुखाम, सरदर्द की परेशानी से औसतन रोजाना 40 से 50 मरीज आ रहे हैं। दो तरह के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक तो मेडिसिन के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक स्किन के ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। बरसात में हर साल ही आता है ये समय, थोड़ा बरसात का होता है, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, तो स्किन वाले ओपीडी ज्यादा चल रही है। और मेडिसिन की ओपीडी में जैसे दस्त वगैरह और लूज मोशन और भी थोड़ी दिक्कतें, पेट दर्द, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उसके मरीज भी ज़्यादा मेडिसिन मार रहे हैं। तो ज़्यादातर है दो ओपीडी ज़्यादा हो रही हैं। हड्डी की ओपीडी तो नॉर्मल जो चलती है, जो मरीज आ रहे हैं वो उस हिसाब से ही आ रहे हैं, सर्जरी की भी उस हिसाब से ही आ रहे हैं, डेंटल ओपीडी है वो भी उस दो ओपीडियों में ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। बरसात में वायरल फीवर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ओपीडी में हर तीसरे मरीज में तेज बुखार, जुखाम, खांसी की परेशानी मिल रही है। मरीजों में पीलिया भी मिल रहा है, इसकी वजह दूषित पानी और भोजन है। मरीजों को साफ सफाई बरतने की भी सीख दी जा रही है। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।